तो दोस्तों आप अपने YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल और कम समय में कुछ इस तरह का बैनर क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इमेज साइज वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन आपको कस्टम वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यूट्यूब चैनल वाला बैनर जो है इसको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस टेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है, कोने में सिंपली डिलीट हो जाएगा। सो उसके बाद आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है बीच में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। सिंपली आपको यहाँ से ये टेम्पलेट यूज़ करना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जो मैं टेम्पलेट या कोई भी टूल या कोई एलिमेंट यूज़ करूँगा तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से आसान से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली इसको क्या करना है, इसको जूम करके फुल कर देना है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे एक बार टैप करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ताला वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे, देन ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से आ जाएगा गैलरी। तो मैं यहाँ से अपने चैनल का लोगो, ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, इतना एडजस्ट करना है कि सिंपली यहाँ पे आपका जो लोगो है फिट हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह से फिट करने के बाद सिंपली स्क्रीन पे एक बार टाइप करेंगे। देन उसके बाद आपको फिर से यहाँ से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो यूट्यूब का लोगो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, इसको भी एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पे ले जाके फिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यानी आपको इस तरह से कुछ फिट कर लेना, ठीक है। फिट कर लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है टेक्स्ट वाले, हम देन प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद देन ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ ले आना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जाना है, स्क्रॉल करते हुए इधर फंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से आपको जो फंड यूज करना है सिंपली फंड को चूज कर लेंगे, ठीक है। सो मैं ये फंड चूज करने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पोजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आएंगे, ठीक है, इधर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से सेंटर में आप रखेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करते हुए इधर आएंगे। देन आपको यहाँ पे स्टॉक वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसको इनेबल कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। इधर आएंगे, शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको कलर जो अपने हिसाब से रखना है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं रेड ही रहने देता हूँ। देन ओके पे क्लिक कर देंगे, एक बार स्क्रिप्ट पर टाइप करेंगे। कुछ इस तरह का बैनर आपका रेडी हो चुका है। इसको सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सेव इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे, वीडियो सॉरी इमेज सेव हो जाएगा।